आलसी का दुश्मन, तेजी का प्रतीक और उत्तमता की मिसाल यानी खेल। दूसरे शब्दों में हमारा ये शो स्पोर्ट्स का सुपरस्टार। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ मिनी माथुर और स्वागत है आपका हमारे इस खेल क्विज में, जिसे हम समा बांध रहे हैं दिल्ली 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स का। हमेशा की तरह हमारा प्रयास आज भी यही है, आपको ज्ञान के साथ साथ मस्ती भी बराबर मात्र में मिलती रहे। हमारा क्विज तलाश रहा है स्पोर्ट्स का सुपरस्टार, इंडिया के टॉप 200 खेल प्रेमी का ज्ञान और उनकी टक्कर 20 प्रिलिमिनरी राउंड्स में, जिसके बाद होंगे 5 सेमीफाइनल्स और अंत में होगा एक ग्रैंड फाइनल, जो तय करेगा कि कौन सही मानों में स्पोर्ट्स का सुपरस्टार कहलाने का हकदार है। हमारे साथ 10 ऐसे खेल पंडित हैं जिनका खेल ज्ञान काबिले तारीफ और सच पूछे तो थोड़ा डरावना भी है। दे आर क्वाइट गुड। देश के हर कोने में एक कड़ी परीक्षा हुई जिसे कुछ ही शख्स खेल पाए और जो बहादुर उस परीक्षा से निकल कर आए, जो है असली खेल प्रेमी, आइए आपको उनसे मिलवाते हैं। लेट्स गो। हमारे आज के एपिसोड के सबसे पहले कंटेस्टेंट आए हैं कोलकाता से, प्लीज वेलकम सोमनाथ चंदा। नमस्ते, मैं हूँ सोमनाथ कोलकाता से। आई एम ए सर्विस मैन बट मेरा हॉबीज है क्विजिंग और वॉचिंग स्पोर्ट्स, दैट्स व्हाई आई एम हियर। ग्रेट कॉम्बिनेशन सोमनाथ, वेलकम टू द शो। थैंक यू। अब मिलते हैं अक्षय रौनक से जो कि आए हैं दिल्ली से। हेलो अक्षय। हेलो, मेरा नाम अक्षय रौनक है और मैं अभी फिलहाल भोपाल में पढ़ाई कर रहा हूँ। मुझे क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी बेहद पसंद है। और अब मिलते हैं सौम्यदीप्ता बिस्वास से जो कि आए हैं ऑल द वे फ्रॉम बैंगलोर। वेलकम सौम्यदीप्ता। नमस्ते, मेरा नाम सोम बिस्वास है, मैं बैंगलोर से हूँ और रिसेंटली इंग्लिश प्रीमियर लीग के ऊपर फैंटेसी प्रीमियर लीग बोल के एक ऑनलाइन गेम होती है, उसमें अबाउट 2.5 लाख लोग पार्टिसिपेट करते हैं, उनमें भारतीयों में मैं 10वें स्थान में आया था इस सीजन। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपने शो में बहुत ही बड़ा काम किया है और इसके बारे में हम थोड़ी और बात करेंगे इस शो के बाद में। वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे आज की एपिसोड की एकमात्र महिला कंटेस्टेंट चारू पालीवाल ऑल द वे फ्रॉम भोपाल। नमस्ते, मेरा नाम चारू पालीवाल है, मैं भोपाल से आई हूँ, मैं थर्ड ईयर की बी इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ। ये मेरा पहला शो है और मैंने पहली बार किसी भी क्विज में पार्टिसिपेट किया था और मेरा सिलेक्शन हुआ। देखते हैं चारू, आप फर्स्ट टाइम लकी होती हैं या नहीं, और आप आज हमारी खास महिला कंटेस्टेंट हैं, सो वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और चलिए अब मिलते हैं मोहम्मद हारून रशीद जो कि आए हैं दिल्ली से। नमस्ते, मेरा नाम मोहम्मद हारून रशीद है, मैं दिल्ली से हूँ, मैं एक पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉई हूँ, मेरे हॉबीज हैं टेबल टेनिस खेलना और क्विज में पार्टिसिपेट करना। वेलकम टू स्पोर्ट्स का सुपरस्टार। और अब मिलते हैं अभिषेक गुप्ता से जो कि दिल्ली से है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक गुप्ता है, मैं दिल्ली से आया हूँ, क्रिकेट खेलना और देखना दोनों ही मेरी हॉबीज है और इस शो को मैं ही जीत के जाऊंगा। और अभिषेक के साथ में खड़े हैं केतन ढोंडे जो कि आए हैं भोपाल से। नमस्ते, मेरा नाम केतन ढोंडे है, मैं भोपाल से आया हूँ, मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ, मुझे खेलों एवं क्विजिंग में काफी इंटरेस्ट है, मैं क्रिकेट, फुटबॉल और बैडमिंटन खेलना पसंद करता हूँ। आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं? इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ, थर्ड ईयर में। वेल ऑल द बेस्ट। और आप मिलते हैं प्रणव रवि कुमार जो कि आए हैं बैंगलोर से। हाय, मेरा नाम प्रणव है, आई एम फ्रॉम बैंगलोर, बैंगलोर में लॉ पढ़ रहा हूँ और आई लाइक स्विमिंग एंड बास्केटबॉल अ लॉट। काफी मल्टीफैसेटेड आदमी है। वेल ऑल द बेस्ट। और आप मिलते हैं अंशुल से, अंशुल खरबंदा जो नई दिल्ली से आए हैं। नमस्कार, मेरा नाम अंशुल खरबंदा है, मैं क्लास 12 का स्टूडेंट हूँ, I am from Delhi. My hobbies are quizzing and sleeping. Sleeping I identify with, quizzing you're better than me. और अब मिलते हैं आखिरी कंटेस्टेंट से सैयद रहमान जो कि है सिप सागर असम से। वेलकम टू स्पोर्ट्स का सुपरस्टार। नमस्कार, मैं सैयद बुरहानुर रहमान हूँ, सिप सागर असम से, पेशे से मैं वकील हूँ और खेल में मेरे को क्रिकेट सबसे अच्छे लगते हैं और रेगुलरली क्विजिंग भी करता हूँ। अरे वाह, काफी सारे क्विजर्स, लॉयर्स और बहुत सारे क्रिकेट फ्रीक्स। All the very best to our wonderful 10 contestants in Sports का Superstar. तो चलिए अब वक्त है खेल का। आज खास खिलाड़ी बनेगा कोई एक और करेगा चैलेंजर्स का सामना। पहले राउंड को जीतने वाला शख्स बनेगा हमारा पहला खास खिलाड़ी। तो आइए एक बार फिर से 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स के मोटो पर अमल करते हैं। Come on everybody, come out and play. All right contestants, इस राउंड में हम पूछेंगे चार सवाल। ये सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं और हर सवाल का जवाब देने के लिए आपको मिलेंगे केवल 10 सेकंड्स। आपके आगे हैं पोल पैड्स जिन पे आप अपना जवाब एंटर करेंगे। सही जवाब को मिलेंगे 10 पॉइंट्स और अंत में जिसका सबसे कम समय में स्कोर सबसे ज्यादा होगा वही बनेगा हमारा पहला खास खिलाड़ी। आर यू गाइस रेडी? लेडीज एंड जेंटलमैन, आपका पहला सवाल।
किस शहर ने सबसे पहले बार राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी की थी? ये रहे आपके ऑप्शंस: मेलबोर्न, लंदन, एडिनबरा या हैमिल्टन। क्या पैनल है? 10 सेकंड, लेकिन आपने 6 सेकंड में ही इसका जवाब दे दिया। सही जवाब है डी, हैमिल्टन। आप में से 5 लोगों ने इसका सही जवाब दिया और सबसे फुर्तीली तरीके से दिया सोमनाथ ने। सोमनाथ, कंग्रेचुलेशंस, अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज़ फॉर हिम। जी हाँ, सबसे पहले राष्ट्रमंडल खेल 1930 में हैमिल्टन कनाडा में हुए थे। यू एब्सोल्युटली राइट अबाउट दैट। ये रहा आपका दूसरा सवाल। इनमें से कौन सी एक्ट्रेस और मॉडल एक नेशनल बैडमिंटन चैंपियन की बेटी है? आपके ऑप्शंस हैं ए, विपाशा, बी, सुषमा, सी, दीपिका या डी, कोइना। वेल, आई थॉट 10 में से 10 लोग इस सवाल का सही जवाब देंगे, लेकिन आप में से सिर्फ 8 लोगों ने इसका सही जवाब दिया। सही जवाब, जी हाँ, वही है जो आप सब सोच रहे हैं, दीपिका पादुकोण, जिनके पिता प्रकाश पादुकोण भी बैडमिंटन चैंपियन रह चुके हैं। आपका तीसरा सवाल आपके स्क्रीन पर। इनमें से कौन सी प्रतियोगिता वार्षिक है? ये रहे आपके ऑप्शंस: T20 वर्ल्ड कप, टूर डी फ्रांस, विंटर ओलंपिक्स या एफ्रो एशियन गेम्स। राइट, इस सवाल का सही जवाब है टूर डी फ्रांस, जो कि वार्षिक प्रतियोगिता है, और इसका सबसे तेज जवाब दिया है सौम्या दीप्ता ने। सौम्या दीप्ता, ओनली 1.6 सेकंड्स, कांग्रेचुलेशंस। और अब हम पहुंचते हैं अपने इस राउंड के आखिरी सवाल में, जिसके बाद हमें मिलेगा अपना पहला खास खिलाड़ी। ये रहा आपके स्क्रीन पर। राष्ट्रमंडल खेलों में डेविड डिक्सन अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? आपके ऑप्शंस हैं समरेश जंग, अंजलि भागवत, कुंजरानी देवी और राज्यवर्धन सिंह राठौर। 7 सेकंड में ही 7 लोगों ने इसका सही जवाब दिया। सबसे तेज जवाब दिया सैयद भरानूर ने। सैयद, आप ही बताइए कि इसका सही जवाब क्या है? समरेश जंग। दैट्स राइट सैयद, उनको मिला था 2006 कॉमनवेल्थ गेम्स में डेविड डिक्सन अवार्ड, जैसा कि आप जानते हैं, उस एथलीट को दिया जाता है जो कि सबसे बेस्ट प्लेयर रहा है कॉमनवेल्थ गेम्स का। और 2006 में 5 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज के बाद ये अवार्ड मिला था समरेश जंग को। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारा सौभाग्य है कि आज वो इस एपिसोड में हमारे साथ है। प्लीज वेलकम वो महान खिलाड़ी जिन्होंने इस अवार्ड को पाया। मिलते हैं श्री समरेश जंग से। वेलकम समरेश, हमें बहुत खुशी है कि आप आज हमारे इन सारे स्पोर्ट्स खिलाड़ियों का हौसला बनाने यहाँ पर आए हैं, और हम आपसे बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन इससे पहले आप बताएंगे इन सबको कि इनमें से सबसे पहला खास खिलाड़ी कौन है। लेडीज एंड जेंटलमैन, इससे पहले कि समरेश बताए कि खास खिलाड़ी कौन है, मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप लोगों में से 3 लोगों के सामान्य अंक है, लेकिन आप तीनों में से जिसने सबसे कम समय में ये 40 पॉइंट्स हासिल किए हैं वो बनेंगे हमारे पहले खास खिलाड़ी। और इसका डिक्लेरेशन तो समरेश ही करेंगे। So, आज के खास खिलाड़ी हैं सोमनाथ चंदा। सोमनाथ चंदा, वेरी फर्स्ट खास खिलाड़ी। आइए, सोमनाथ, कंग्रेचुलेशंस, आप हैं हमारे पहले खास खिलाड़ी। यहाँ समरेश खुद मौजूद हैं आपको कंग्रेचुलेट करने के लिए। सोमनाथ, चलिए अपना स्थान ग्रहण कीजिए, वेरी फर्स्ट खास खिलाड़ी ऑफ टुडेज एपिसोड, लेडीज एंड जेंटलमैन। समरेश से हमें अभी बहुत सारी बातें करनी है। ये था रेस का पहला लैप जहां सोमनाथ पहुंच गए हैं लीड में, लेकिन बाकी खिलाड़ी भी यहां सैर के लिए नहीं आए हैं, जीतने के मकसद से ही आए हैं। इन सब से बातें करेंगे, स्कोरबोर्ड पर एक नजर डालेंगे, और मोर इंपॉर्टेंटली समरेश से कुछ बातें करेंगे उनकी कॉमनवेल्थ अचीवमेंट्स पे। पर ये सब होगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक विद स्पोर्ट्स का सुपरस्टार।
स्वागत है आपका एक बार फिर से स्पोर्ट्स का सुपरस्टार में, जहां कॉमनवेल्थ गेम्स की जानकारी मिल रही है मगर दवाई की तरह कड़वी गोली में नहीं, क्विज के मीठे मीठे रूप में। एनीवे, कुछ लोग अखियों से गोली मारते हैं मगर मेरे साथ जो शख्स खड़े हैं वो बंदूक में ही विश्वास रखते हैं। चैंपियन शूटर समरेश जंग इज राइट हियर विद अस ऑन द क्विज। एंड समरेश, वी आर वेरी एक्साइटेड कि अब कॉमनवेल्थ गेम्स आ रहे हैं, एंड हाउ आर द प्रिपरेशंस गोइंग आपकी और आपकी टीम की? अच्छी प्रिपरेशंस चल रही हैं एंड होपफुली हमारा कॉमनवेल्थ गेम्स में अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा एज अ टीम। तो ये बताइए कि कैसा लगा आपको जब आप यू नो बार बार जाके आपने उस तिकोन में खड़े होके वो मेडल पहना, यू नो तीन बार अपने आप और फिर बाकी टीम इवेंट्स में भी? बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्राउड फील होता है एंड जब तिरंगा चढ़ता है ऊपर और साथ में जब गोल्ड लिया हो तो एंथम बजता है तो बट वी आर काउंटिंग ऑन यू समरेश। कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 में आप इंडिया को लीड करेंगे और बहुत सारे इंशाल्लाह लेके आएंगे बहुत सारे मेडल्स हमारे लिए। क्यों ऑडियंस एक बार हो जाए जरा जय हिंद, उनका भी हौसला अफजाई करते हैं। कम ऑन लेडीज एंड जेंटलमैन, जय हिंद। दैट्स फॉर यू समरेश, प्लीज लीड आवर कंट्री टू विक्ट्री। कोई एक मंत्र बता के जाइए हमारे क्विजर्स को जो वो अपने साथ रख सकें और आपकी जितने तरक्की कर सके। बेसिकली जस्ट बी हैप्पी with whatever you do and enjoy yourself, that's the best. You win or lose does not matter, enjoy yourself. That's lovely Samresh, thank you so much. Ye inspiration main bhi lungi, not just our quizzing team here. And ladies and gentlemen, let's have a huge round of applause. Samresh, all the very best. Aur is saal hum aapko bas dekhenge 2010 commonwealth mein leading India to victory. Thank you so much for being here. Somnath, kaisa lag raha hai aapko wahan par khade hoke? बहुत एक्साइटेड। अगर आप एक्चुअली ये पूरा एपिसोड जीत के फाइनल्स में पहुंचे, सबसे ज्यादा खुशी किसको होगी? आई थिंक मेरी माँ को। सो सोमनाथ, आपकी मम्मी होंगी सबसे ज्यादा खुश। या वेल, अब हम चलते हैं सीधे अपने गेम में, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप में से दो लोग सोमनाथ के स्कोर के एकदम साथ साथ चल रहे हैं, बस थोड़ी फुर्ती ली और आप बन सकते हैं हमारे अगले खिलाड़ी। हियर इज द स्कोर बोर्ड। सैयद और प्रणव, आप दोनों ही 40 पॉइंट्स पर हैं। हरून, केतन, सौमदित्य सब 30 पॉइंट्स पे हैं। चारू, अभिषेक, यू आर एट 10। चलते हैं अपने अगले राउंड की ओर, जो कि हम खेलेंगे अपने खास खिलाड़ी सोमनाथ के साथ। इस राउंड में भी हम पूछेंगे चार सवाल, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। हर जवाब के लिए 10 सेकंड, सही जवाब के लिए 10 पॉइंट्स और अंत में जिसका स्कोर सबसे ज्यादा होगा सबसे कम समय में वही बनेगा हमारा पहला चैलेंजर। ऑलराइट सोमनाथ, आर यू रेडी? या ऑलराइट गाइस, लेट्स गो। सोमनाथ, इस राउंड में भी हम आपसे पूछेंगे चार सवाल, हर सही जवाब के आपको मिलेंगे 10 पॉइंट्स और उसके साथ साथ 1000 रुपए। अगर आपने चार सवाल एक साथ सही जवाब दिए तो आपको बोनस 1000 रुपीज मिलेंगे एंड आपका स्कोर भी बढ़ता जाएगा। यू गाइज रिमेंबर कि आप सोमनाथ के साथ साथ ये राउंड खेल रहे हैं एंड ऑफकोर्स आपका स्कोर भी उनके साथ साथ बढ़ रहा है। यू हैव टू फोकस ऑन द पैड एंड हाउ फास्ट यू आर प्रेसिंग द बजर, बिकॉज आप जो सबसे तेज तरार होगा वो पहुंचेगा हमारे चैलेंजर जोन से बाहर चुनौती देने के लिए। आर यू रेडी? ओके सोमनाथ, ये रहा आपका पहला सवाल। 1998 में क्वालालंपुर में आयोजित हुए राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? ये रहे आपके ऑप्शंस, अजय जडेजा, सचिन तेंदुलकर, वीवीएस लक्ष्मण या अनिल कुंबले। यस सोमनाथ, आपका जवाब? I was guessing, is it सचिन तेंदुलकर? सोमनाथ, आपने कहा सचिन तेंदुलकर, आप सचिन से काफी प्रेरित हैं जिंदगी में। Yeah. Well, the right answer is अजय जडेजा, you got it wrong. अजय जडेजा ने कप्तानी की थी टीम की और आप में से तीन लोगों ने सही जवाब दिया। Your next question. इनमें से किस खेल में फ्री स्टाइल स्पर्धा नहीं होती? ये हैं आपके ऑप्शंस, रेसलिंग, स्विमिंग, लॉन बोल्स या स्कीइंग। 2 सेकंड बाकी पर सोमनाथ ने अपना जवाब लॉक कर दिया। मेरे ख्याल से ये लॉन बोलिंग होना चाहिए, सी। लॉन बोल्स में फ्री स्टाइल स्पर्धा नहीं होती, यू आर एब्सोल्युटली राइट और आप में से 6 लोगों ने सही जवाब दिया। सोमनाथ, 2 सवाल बाकी और ये रहा आपका तीसरा सवाल। राष्ट्रमंडल खेलों में मिल्खा सिंह ने किस स्पर्धा में भारत को एथलेटिक्स का पहला स्वर्ण पदक दिलाया था? ये रहे आपके ऑप्शंस,
110 meter hurdle, 440 yards, 200 meters या 400 meter hurdle? Yes, Somnath. I think it's B, 440 yards. 440 yards. यकीनन है? Answer? मेरे ख्याल से. आपका ख्याल बिल्कुल सही है. 440 yards. Absolutely right answer. उन्होंने 46.71 सेकंड में ये दूरी तय की थी कार्डिफ में 1958 में. और आपके साथ साथ दो लोगों ने इसका सही जवाब दिया. सोमनाथ, ये रहा आपका आखिरी सवाल. इनमें से किस प्रतियोगिता से दर्शकों के द्वारा खुशी मनाने का एक नया अंदाज द मैक्सिकन वेव पूरे विश्व में मशहूर हुआ था? ये हैं आपके ऑप्शंस: मेक्सिको ओलंपिक्स 68, क्रिकेट वर्ल्ड कप 83, हॉकी वर्ल्ड कप 75, फीफा वर्ल्ड कप 86. यस सोमनाथ. ऑप्शन डी, फीफा वर्ल्ड कप 86. आर यू एब्सोल्युटली श्योर? यू फुटबॉल फ्रीक. या सोमनाथ, आपको मेक्सिकन वेव करना आता है क्या? लेकिन अकेला कैसे करूं, सबका साथ चाहिए. तो अगर आप उस कड़ी में होते तो आप क्या करते? That may not be right, but your answer is absolutely correct. FIFA World Cup 86 में, जो कि मेक्सिको में हुआ था. Excellent. और आप लोगों में से भी 8 of you got it right. Congratulations. सोमनाथ, इस राउंड के अंत में आपने 30 पॉइंट्स जीते, उसके साथ साथ 3000 रुपए का इनाम जीता जो आपको कॉमनवेल्थ के और करीब लेकर जाएगा. और अब देखना है चैलेंजर जोन में से आप में से कौन टक्कर देने के लिए सोमनाथ को यहां पर उतरेंगे. मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस राउंड में 4 लोगों ने सामान्य स्कोर जीता है. वन ऑफ देम इज सोमनाथ. पर आप तीनों में से बाकी कौन है जो सोमनाथ को आके यहां चैलेंज करेंगे? इज इट सौम्य दीप्ता? इज इट हरुण? इज इट प्रणव? इट इज इन फैक्ट प्रणव. प्रणव ने लास्ट स्कोर 30 किया, लेकिन अब आपका टोटल स्कोर 70 है और इसकी वजह से आप और सोमनाथ यहां पर टक्कर देंगे एक दूसरे को. कम ऑन अप सोमनाथ, लेट्स प्ले द चुनौती. राइट. और इससे पहले कि हम ये चुनौती देखें बिटवीन प्रणव एंड सोमनाथ, अ क्विक लुक एट द स्कोरबोर्ड. जैसा कि आप देख रहे हैं, चारू एट 20, अभिषेक अक्षय, आप दोनों में सिर्फ 10 नंबर का अंतर है. केतन अक्षय 40 पे, अंशुल सैयद 50 पे, सोमादित्य और हरुण 60 पे, और हमारे जो दो सोमनाथ और प्रणव हैं उनका टोटल स्कोर 70 है. आर यू गाइज रेडी? या अब वक्त है एक अनोखी टक्कर का. जैसा कि आप दोनों लोग जानते हैं, यहाँ अब होंगे 5 सवाल. हर सही जवाब के लिए आपका इनाम होगा +1, हर गलत जवाब की सजा होगी -1. अंत में आप दोनों में से जिसका ज्यादा स्कोर होगा वो बनेगा हमारा अगला खास खिलाड़ी. प्रणव, सोमनाथ, इस राउंड में मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊंगी और आपको उसको देखकर इस सवाल का जवाब देना है. ऑलराइट, आर यू रेडी? हियर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन. ये चिन्ह 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स में खेले जाने वाले किस खेल को दर्शाता है? ये रहा आपका चित्र. यस प्रणव, दिस इज जिम्नास्टिक्स. एब्सोल्युटली करेक्ट, जिम्नास्टिक्स इज द राइट आंसर. आपको मिलते हैं +1. प्रणव, वेरी वेरी फास्ट ऑन द बजर, बहुत अच्छा खेले आप. सोमनाथ, नर्वस हो रहे हैं आप. हियर इज योर सेकेंड क्वेश्चन. अब बताइए कि ये चिन्ह 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स में खेले जाने वाले किस खेल को दर्शाता है? ये रहा आपका चिन्ह. यस प्रणव, रग्बी यूनियन. प्रणव, रग्बी यूनियन इज द रॉन्ग आंसर. इस सवाल का सही जवाब है रग्बी सेवन्स. अनफॉर्चुनेटली आपको मिलते हैं -1. दो सवाल पूरे हो चुके हैं, आप दोनों का स्कोर सामान्य है, किसी का भी गेम ये हो सकता है. और इसी मोड़ पर मैं आपको देती हूं आपका तीसरा सवाल. आपको बताना है ये खेल कौन सा है. ये रहा आपका चिन्ह. यस प्रणव, रेसलिंग. रेसलिंग एब्सोल्युटली करेक्ट. प्रणव, आप सीधे पहुंच जाते हैं +1 पे. ये चिन्ह है कुश्ती का जो कॉमनवेल्थ गेम्स में खेले जाते हैं. सोमनाथ, दैट वाज इजी, यू शुड हैव गॉटन दैट. और ये रहा आपका चौथा सवाल. सवाल वही, चिन्ह भिन्न भिन्न है, इस चिन्ह को पहचानिए. यस सोमनाथ,
This is squash. This is squash. Absolutely right. और अब आपकी जान में जान आई क्योंकि आपने अपना पहला प्लस वन जीता है इस बजर राउंड में. प्रणव इज एट वन, सोमनाथ इज एट वन. इस सवाल के जवाब को जिसने सही जवाब दिया वो बनेगा हमारा अगला खास खिलाड़ी. दिस इज कॉल्ड अ फोटो फिनिश. ये चिन्ह 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स में खेले जाने वाले किसी एक खेल को दर्शाता है. ये रहा आपका आखिरी चिन्ह. यस सोमनाथ. दिस इज हैंडबॉल. दैट इज द रॉन्ग आंसर सोमनाथ. आई एम सॉरी, ये चिन्ह जो है ये हैंडबॉल का नहीं है बल्कि ये है लॉन बॉल्स. अगर आपने गौर फरमाया होता तो पिछले राउंड में लॉन बॉल्स के ऊपर एक क्वेश्चन था. लॉन बॉल्स कॉमनवेल्थ गेम्स में खेला जाता है और हैंडबॉल का चिन्ह ये नहीं था. आपको माइनस वन मिले और उसके साथ साथ प्रणव रवि कुमार फ्रॉम बैंगलोर आप बनते हैं हमारे अगले खास खिलाड़ी. सोमनाथ आप बहुत अच्छा खेले लेकिन अब आपको चैलेंजर जोन में जाना पड़ेगा. बट नेवर माइंड, आप वापस भी आ सकते हैं. सो ऑफ टू द चैलेंजर जोन. एंड प्रणव आपने बजर में बहुत ही फुर्तीली एनर्जी दिखाई. आप वहाँ भी चैलेंजर जोन में भी बहुत तेज बजर दबा रहे थे. एंड ऑब्वियसली बजर इज योर थिंग. या आई हैव किया है थोड़े बजर क्विजेस तो मालूम है कब जाना है. व्हेन इज योर हंच सो यू गो फॉर इट. सो प्रणव रियली एक्साइटेड टू बी द नेक्स्ट कास्ट खिलाड़ी. हां ऑफ कोर्स, हु इज नॉट. बाजी मार के लेके जाएंगे इस बार, देखेंगे क्या होगा. हां बोनस पॉइंट्स के साथ. या ऑल द वेरी बेस्ट. चलिए आप अपने नए स्थान पे खास खिलाड़ी लेडीज एंड जेंटलमैन. तो बाजी पलट गई और अब नए खास खिलाड़ी की घोषणा भी हो गई लेकिन साथ साथ दबाव है इस नई उपलब्धि को बचाए रखने का. कौन बनेगा हमारा अगला चैलेंजर देखते हैं इस ब्रेक के बाद. लेडीज एंड जेंटलमैन डोंट गो एनीवेयर. हम अभी लौटेंगे स्पोर्ट्स का सुपरस्टार के साथ. सुपरस्टार में मैं हूं मिनी और यहां हम खेल रहे हैं खेल मजेदार जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता जा रहा है और अब मौका है एक नए चैलेंजर को ढूंढने का. लेडीज एंड जेंटलमैन अब हम खेलने वाले हैं अपना अगला राउंड हमारे नए खास खिलाड़ी प्रणव के साथ. मैं आपको बता दूं कि रोल्स वही रहेंगे. मैं आपको चार सवाल दूंगी. हर सही जवाब के लिए आपको मिलेंगे 10 पॉइंट्स और 1000 रुपए और आपको ऐसे चार सवालों को सही आंसर करने पर मिलेगा 1000 रुपए का बोनस इनाम. चैलेंजर्स डोंट फॉरगेट, आप भी इनके साथ साथ ये गेम खेल रहे हैं और उनके साथ साथ आपके स्कोर्स भी बढ़ रहे हैं और आप में से ही कोई इनको चुनौती देने वाला है अगले बजर राउंड में. आर यू रेडी? लेट्स प्ले. ये रहा आपका पहला सवाल. 1960 का ओलंपिक मैराथन किस धावक ने नंगे पांव जीता था? ये रहे आपके ऑप्शंस. एमिल ज़ाटोपेक, डेरेक क्लेटन, अबेबे बेकीला, जेलिंडो बॉर्डे. प्रणव. सी अबेबे बेकीला. अबेबे बेकीला इज द राइट आंसर. लेडीज एंड जेंटलमैन, पहले ब्लैक अफ्रीकन जिन्होंने नंगे पांव ओलंपिक्स में ये मेडल जीता था. ही बिकेम वेरी फेमस फॉर दैट. यू आर वेरी श्योर ऑफ दैट आंसर? या प्रीटी श्योर. वेल दैट्स राइट. और आप में से पांच लोगों ने इसका सही जवाब दिया. प्रणव अब रहा आपका दूसरा सवाल. टीवी शो दे धनाधन 100% में कौन सा खेल दिखाया गया है? ये है आपके ऑप्शंस. ए आर्चरी, बी बॉक्सिंग, सी फॉर्मूला वन या डी शो रेसलिंग. प्रणव, टीवी देखने का टाइम मिलता है आपको? हाँ लेकिन ये शो नहीं देखा है बट आई एम गेसिंग बी बॉक्सिंग. प्रणव, बी बॉक्सिंग इज द रॉन्ग आंसर. सही जवाब है डी शो रेसलिंग. चैलेंजर जोन में पांच लोगों ने इसका सही जवाब दिया और ये रहा आपका तीसरा सवाल. कौन से खिलाड़ी दिल्ली 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स के क्वींस बैटन के पहले वाहक थे? ये हैं आपके ऑप्शंस. ए अभिनव बिंद्रा, बी सानिया मिर्जा,
सी विजेंद्र कुमार या डी राज्यवर्धन राठौर? प्रणव? ए अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा इज द राइट आंसर प्रणव, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। और आप सब में से 8 लोगों ने इसका सही जवाब दिया, दैट्स वेरी वेरी गुड गोइंग। आपका आखिरी सवाल प्रणव, 1911 में मोहन बागान किस टीम को फाइनल में हराकर IFA शील्ड जीतने वाली पहली भारतीय टीम बनी? ये रहे आपके ऑप्शंस, ए ईस्ट यॉर्कशायर रेजिमेंट, बी मिडिलसेक्स रेजिमेंट, सी राइफल ब्रिगेड या डी रेंजर्स। प्रणव? ए ईस्ट यॉर्कशायर रेजिमेंट। अगेन आई हैव टू आस्क यू, आप फुटबॉल में रुचि रखते हैं और इज इट गेस वर्क ऑल द वे? I do like football, but I've not followed Indian football, so it is a guess. East Yorkshire Regiment is absolutely the right answer, Pranav. आप बहुत ही lucky इंसान हैं। आपने इस पूरे round में 3 guess मारे और आपने तीनों सवाल के सही जवाब दिए। That's very, very well done. And yes, हमारे challenger zone में भी 6 लोगों ने इसका सही जवाब दिया। और अब वो वक्त आ गया है जब हम अपने challenger zone में से किसी 4 contestants को अलविदा कहेंगे। आप में से 4 लोग जो लोएस्ट स्कोरर्स हैं, गेम के इस मोड पर हमें छोड़कर जाएंगे। स्कोरबोर्ड के मुताबिक सबसे कम स्कोर के साथ सबसे पहले हमें छोड़ के जाने वाले कंटेस्टेंट का नाम है चारू। चारू है 30 पॉइंट्स पर और उनके थोड़े ही ऊपर 50 पॉइंट्स के साथ हमें छोड़कर जाएंगे अभिषेक। 20 पॉइंट्स की दूरी पर 70 अंक के साथ 2 और शख्स हमें छोड़कर जाएंगे और उनका नाम है अक्षय और केतन। अक्षय, केतन, चारू, अभिषेक, यहाँ पर खेलने के लिए हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया। हौसला ना हारे क्योंकि आप स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट हैं, आप क्विजिंग करते रहिए, गेम जरूर देखिएगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। चार लोग हुए हैं हमारे गेम से बाहर, लेकिन अब बारी है उस शख्स का नाम लेने की जो कि बनेंगे चैलेंजर और प्रणव को फिर से चुनौती देंगे खास खिलाड़ी की सीट के लिए। और हाँ, मैंने फिर से इसलिए बोला क्योंकि वो कंटेस्टेंट फिर से यहाँ आएंगे। सोमनाथ इज गोइंग टू बी आवर चैलेंजर। सोमनाथ, मजे की टक्कर एक बार फिर आइए चैलेंजर जोन में और उनको खेलने के लिए एक बार फिर से बजर राउंड पे प्रणव। अब तो आप दोनों को आदत सी हो गई होगी एक दूसरे से भिड़ने की और एक दूसरे को बजर शूट आउट पे गोली मारने की। मजा आएगा, हमें भी मजा आएगा। सोमनाथ, इस बार आप उस डायरेक्शन में हैं और इन्होंने आपका स्थान ले लिया है, तो क्या आपको लगता है कि इस बार आप बाजी मार के वापस खास खिलाड़ी की सीट पे जाएंगे? देखते हैं। ओके, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त सबसे हाईएस्ट स्कोरर सब कंटेस्टेंट्स में से हैं सोमनाथ विद 110 पॉइंट्स और बाकियों का स्कोरबोर्ड ये रहा। सबसे ज्यादा स्कोर 110 सोमनाथ का, उसके बाद एट 100 पॉइंट्स देयर्स प्रणव, हरुण एंड सोमदीप्ता, और उसके बाद हैं अंशुल और सिर्फ 10 पॉइंट्स की दूरी पे सैयद। तो ये किसी का भी गेम हो सकता है। और अब सोमनाथ चुनौती देने वाले हैं प्रणव को बजर शूट आउट में, पर ये होगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, दिस गेम इज गेटिंग वेरी इंटरेस्टिंग। विल बी राइट बैक विद स्पोर्ट्स का सुपरस्टार। सुपरस्टार जो है 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स की तरफ हमारा एक छोटा और मजेदार सा योगदान। और मजेदार तो ये राउंड होगा जहां बजर शूटआउट में सोमनाथ प्रणव को हराना चाहते हैं खास खिलाड़ी की कुर्सी वापस हासिल करने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, इस राउंड में मैं आपसे 5 सवाल पूछूंगी।
इस राउंड में मैं आपको विजुअल क्लूज दूंगी, पहले आपको क्लू देखना है और फिर उसके बारे में एक सवाल का जवाब देना है। हर सही जवाब के लिए आपको मिलेंगे +1, हर गलत जवाब के लिए मिलेंगे -1। अंत में जिसका स्कोर ज्यादा होगा वो होगा इस बार शूट आउट का विनर। ये बेस्ट ऑफ 5 का खेल है। ऑलराइट, सोमनाथ, प्रणव, रेडी? ये रहा आपका पहला क्लू। Bell is away well in lane number 7. Bell gets out, but here's Thompson, takes the lead. Flight through, what a win! What a win! Look at the time! And you won! इस क्लू में वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने स्थापित किया था? Yes, सोमनाथ? Usain Bolt. Usain Bolt is the right answer. Beijing Olympics 100 meter race, Usain Bolt ने जो जमैका के हैं उन्होंने इसमें गोल्ड मेडल जीता था। The world's fastest man. सोमनाथ, आपने इसका जवाब दिया। You pick up a +1. Here is your next clue. Back 2.5 somersault, 1.5 twist from Fillion and Benfato of Canada. ये रहा आपका सवाल। इस डाइविंग इवेंट का नाम बताइए। यस प्रणव। 5 meter high board. 5 meter high board is the wrong answer, Pranav. Somnath, do you have the answer? I know synchronized diving. You know that it's synchronized diving. It is synchronized platform diving, 10 meters. I'm sorry, Pranav, you didn't get that one right. आपको मिलते हैं -1, but that was a good try, but not good enough. Okay? और आपने अगर इन दोनों सवालों का जवाब सही दिया तो आप ये बाजी इनसे जीत सकते हैं। ओके, ये रहा आपका तीसरा क्लू। अच्छा, आज पहले लड़ रहे हैं कौसा लोग, तो मेरा को बहुत थक गया ऐसे सोच रहा है। मैंने तो ऐसे जानबूझ के ऐसे लड़ रहा था। मैं इसको थर्ड राउंड तक ऐसे खेलेगा, जैसे 2 राउंड में मैं इसको बुरी तरह इसका हालत खराब कर देगा। ये रहा आपका सवाल। इस खिलाड़ी का नाम बताइए। ये सोमनाथ। दिस इज डिंगो सिंह। दिस इज डिंगो सिंह। ही इज अ गोल्ड मेडलिस्ट इन बैंकॉक एट द बैंकॉक एशिया इन 1998। प्रणव, Not fast enough on the buzzer. That was an easy one, Somnath. आपने buzzer दबाया. Okay. ये था आपका तीसरा सवाल. उसके अंत में प्रणव आपका स्कोर है -1 पर, सोमनाथ है +2 पर. So that was the deciding question. सोमनाथ, आप हैं हमारे अगले खास खिलाड़ी. Congratulations. एक बार फिर से आप पहुंचते हैं हमारी खास खिलाड़ी की कुर्सी पे. प्रणव, कहीं जिंदगी है खेल, कभी पास कभी फेल. अभी आप यहाँ थे, अभी आप वहां हैं. Maybe you'll come back. All the very best. Not fast enough. Somnath, dude, आपकी मम्मी ये देख रही होंगी, काफी खुश होंगी. हाँ, तो जाइए वापस अपने आसन को ग्रहण कीजिए. तो सोमनाथ, एडमंड हिलरी की तरह फिर चढ़ गए अपने मचान पे. कैसा लग रहा है वापस जाके? अच्छा. अपनी मम्मी को एक वेव तो कर दो. She'll be very proud. उनको कुछ कहना चाहेंगे? माँ, चिंता करो ना, टेंशन करो ना. I am fighting. And I'm waiting for that fight. Very, very good, Somnath. Very well done. हम आपके साथ खेलेंगे ये अगला राउंड. और मैं अपने चैलेंजर जोन में सारे खिलाड़ियों को याद दिला दूं कि इस राउंड के बाद 4 लोग हमें अलविदा कहेंगे एंड वील गेट अ फाइनल चैलेंजर. किसी की भी बाजी हो सकती है. प्लीज प्लीज, दिस इज योर लास्ट चांस. प्ले टफ, प्ले हार्ड. बट फिलहाल सोमनाथ, आपके साथ ये अगला राउंड, 4 सवाल. हर सवाल का आपको जवाब देना है. सही जवाब पर आपको मिलेंगे 10 पॉइंट्स और 1000 रुपए. अगर आपने चारों सवाल के सही जवाब दिए तो 40 पॉइंट्स के साथ साथ आप जीत सकते हैं 1000 रुपीज का बोनस. सोमनाथ, इस राउंड में ये रहा आपका पहला सवाल. प्राचीन ओलंपिक खेलों में विजेता को अवार्ड के तौर पर क्या दिया जाता था? ये रही आपकी ऑप्शन. A. Gold crown, B. Olive wreath, C. Silver medallion, या D. I didn't even complete the options. और आप सब ने जवाब दे दिया D. Replica of Mount Olympus. बताइए सोमनाथ, सही जवाब क्या है? It's B. Olive wreath. B. Olive wreath is the right answer. Absolutely fantastic. आप सब ने इसका सही जवाब दिया. सबसे तेज प्रणव 2 सेकंड में इसका जवाब दिया. सोमनाथ, आपको मिलते हैं 10 पॉइंट्स और उसके साथ साथ 1000 रुपए. जैसा कि आप देख रहे हैं घर पे बैठे बैठे, यहाँ पर अब इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज बहुत हाई हो गया है. सबको सारे आंसर्स आते हैं एंड ये किसी की भी बाजी हो सकती है. आप भी खेलिए हमारे साथ ये फाइनल राउंड में और देखिए अपनी स्पोर्ट्स क्विज की नॉलेज. ओके, सेकेंड क्वेश्चन. इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? ये रहे आपके ऑप्शंस.
ए आरती साहा, बी खजान सिंह, सी मेहर सेन या डी शिप्रा दत्ता। 3 सेकंड के अंदर आपने इसका जवाब दे दिया। इट्स मेहर सेन। इट्स मेहर सेन इंडीड। एब्सोल्युटली राइट। 14 घंटे और 45 मिनट में उन्होंने ये पूरा इंग्लिश चैनल तैर के पार किया था। ऑल ऑफ यू गॉट इट राइट। सोमनाथ, 2 सवाल, 20 नंबर, 2000 रुपए, वेल डन। ये रहा आपका तीसरा सवाल। राष्ट्रमंडल खेलों की मुक्केबाजी स्पर्धा में सबसे हल्का वजन वर्ग कौन सा होता है? ये रहे आपके ऑप्शंस। ए लाइट फ्लाईवेट, बी बैंटम वेट, सी लाइट वेल्टरवेट या डी लाइट वेट। सोमनाथ, तो आपका जवाब क्या है? आई थिंक इट्स ए लाइट फ्लाईवेट। लाइट फ्लाईवेट। आर यू श्योर? 60-40। 60 yes or 40 yes? 60 yes. 60 yes, नहीं, 100 yes. Absolutely right. Light flyweight is the correct answer. Well, 4 of you got it right. 46 to 49 kgs की कैटेगरी होती है लाइट फ्लाईवेट की, जो सबसे हल्की कैटेगरी होती है मुक्केबाजी में। और ये रहा आपका चौथा सवाल। 1932 में भारत ने किस देश को हॉकी में 24-1 से जीत दर्ज करके गोल मार्जिन का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था? ये रहे आपके ऑप्शंस। ए जापान, बी स्पेन, सी अर्जेंटीना, डी यूएसए। ओनली 2 सेकंड्स एंड ऑल ऑफ यू हैव आंसर्ड ऑलरेडी। यस सोमनाथ, इट्स यूएसए। इट्स यूएसए। ऑल राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट। फैंटास्टिक क्विजिंग। यहां पर कोई ऐसा क्विजर नहीं है जिसने ये सवाल सही जवाब नहीं दिया। ऑल ऑफ यू गॉट इट राइट। सोमनाथ, बहुत अच्छा खेले आप। आपने जीते हैं 40 पॉइंट्स और उसके साथ साथ 4000 प्लस 1000 रुपी बोनस, यानी अब आपकी टोटल अर्निंग टैली हो गई है 8000 रुपीज। अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे आपको ये बताने के लिए कि वो कौन 4 कंटेस्टेंट्स हैं जो हमें अलविदा कहेंगे और कौन 2 खिलाड़ी बजर शूट आउट में आमना सामना करेंगे चैंपियन बनने के लिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, आफ्टर द ब्रेक, ओनली ऑन स्पोर्ट्स का सुपरस्टार। सुपरस्टार में कॉमनवेल्थ गेम्स के हर इवेंट का फैसला किसी रंग से होता है। किसी के हाथ आएगा गोल्ड और किसी के हाथ आएगा सिल्वर। देखना बस ये है किसके हाथ क्या आता है। वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, इस वक्त स्कोरबोर्ड बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर है। अब हम आप में से 4 लोगों को कहेंगे अलविदा और आप में से 2 लोग बजर शूट आउट खेलकर इस एपिसोड का चैंपियन बनने की कोशिश करेंगे। स्कोरबोर्ड के सबसे बॉटम पर With 110 points, हमें छोड़कर जाएंगे सैयद बरहानू। कई बार बजर बहुत तेज दबाया, बहुत ही अच्छी क्रिकेटिंग नॉलेज और हमारे सबसे यंगेस्ट कंटेस्टेंट अंशुल खरबंदा विद 120 points. अभी तक टक्कर से टक्कर मिलाकर चैलेंजर और कभी खास खिलाड़ी, एक गलत जवाब और प्रणव रवि कुमार, इतना अच्छा खेलने के बाद आप 10 पॉइंट से चूक गए और हमें छोड़कर जा रहे हैं। अब बचे 2 और कंटेस्टेंट्स, सौम्य दीप्ता और हरुण रशीद। मैं आपको बताना चाहूंगी कि सौम्य दीप्ता और हरुण, आप दोनों का स्कोर एक सा है। देखना सिर्फ ये है कि आप दोनों में से 140 पॉइंट्स तक पहुंचने में किसने कम समय लिया। उससे पहले मैं चाहूंगी सैयद, अंशुल, प्रणव आपसे अलविदा लेने का। थैंक यू सो मच कि आप स्पोर्ट्स का सुपरस्टार में आए। और अब चैलेंजर जोन के हकदार या तो हरुण है या सौम्य दीप्ता। आप में से एक 16 सेकंड ज्यादा फुर्तीले हैं दूसरे से,
और 16 सेकंड तेजी से ये 140 पॉइंट्स कमाए हैं हरुण ने। हरुण आप हैं हमारे फाइनल चैलेंजर, लेकिन सोम्या आपको हमें कहना पड़ेगा अलविदा। आई एम रियली सॉरी, कुछ सेकंड की देरी से आप हमारे इस फाइनल चैलेंजर जोन में नहीं आ पाए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन स्पोर्ट्स का सुपरस्टार। तो चलिए जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे चैलेंजर हरुण का और उसके साथ सोमनाथ। हरुण कांग्रेचुलेशंस, सोमनाथ जो है ये हमारे मंझे हुए खिलाड़ी हैं, आप पहली बार चैलेंजर जोन में आए हैं, ये बहुत ही बढ़िया फेस ऑफ होने वाला है। आपको अभी तक तो मौका नहीं मिला था यहाँ आने का, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कहते ना खरगोश और कछुए की जब रेस हुई तो चुपचाप से कछुआ आगे बढ़ के खड़ा हो गया और खरगोश को पता भी नहीं चला, तो आपने कुछ ऐसा ही कर दिखाया। ओके, तो अब ये फाइट टू द फिनिश है बिटवीन सोमनाथ एंड हरुण। प्लीज गिव देम अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स प्ले। वेल, मैदान तो अब कुछ सूना सूना लग रहा है क्योंकि जहां पहले 10 थे वहां अब सिर्फ 2 हैं। सोमनाथ और हरुण, अब होने वाली है मुकाबले की टक्कर। आर यू रेडी? यस। ये है हमारी आखिरी टक्कर और ये एक आखिरी मौका जहां सोमनाथ को चैंपियन बनने से रोका जा सके। आपको याद रखना है कि इस राउंड में आपको विजुअल और ऑडियो क्लूज नहीं दिए जाएंगे, आपको मेरी आवाज सुनकर सवाल सुनकर जवाब देना है बजर दबाकर। आप किसी भी वक्त बजर दबा सकते हैं लेकिन आपको जवाब इंस्टेंटेनियसली देना पड़ेगा। हर सही जवाब के लिए आपको मिलेंगे +1, गलत जवाब के लिए -1, बेस्ट ऑफ 5, मे द बेस्ट मैन विन। रेडी? आखिरी टक्कर के लिए सोमनाथ हरुण, ये है आपका पहला सवाल। घास के कोर्ट पर खेले जाने वाला एकमात्र टेनिस ग्रैंड स्लैम, यस सोमनाथ, दिस इज विंबलडन। विंबलडन इज राइट। सवाल था घास के कोर्ट पर खेले जाने वाला एकमात्र टेनिस ग्रैंड स्लैम कौन सा है? सोमनाथ ने कहा विंबलडन एंड दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आपको मिलते हैं +1। रेडी? ये रहा आपका दूसरा सवाल। धूम 2 के एक सीन में ऐश्वर्या और ऋतिक बारिश में कौन सा खेल खेलते हैं? यस हरुण, बास्केटबॉल। बास्केटबॉल इज एब्सोल्युटली राइट। हरुण आपने अपने लिए एक पॉइंट हासिल कर लिया है और आप सोमनाथ और हरुण आप दोनों +1 पे हैं। तीसरा सवाल, 1901 में हैमली ब्रदर्स ने अमेरिका में कौन सा ट्रेडमार्क पंजीकृत किया? यस सोमनाथ, पिंग पोंग। पिंग पोंग, अनबिलीवेबल। इन्होंने आधा सवाल सुन के ही जवाब दिया लेकिन जो इनको जानकारी चाहिए थी वो इनको मिल गई थी। सवाल मैं पूरा एक बार करूंगी। 1901 में हैमली ब्रदर्स ने अमेरिका में कौन सा ट्रेडमार्क पंजीकृत करवाया था जिसे आज हम टेबल टेनिस के नाम से जानते हैं? सही जवाब है पिंग पोंग। सोमनाथ आप है +2 पे, हरुण आप है +1 पे, लेकिन अभी भी 2 सवाल बाकी हैं और आपने अगर इन दोनों सवालों का जवाब सही दिया तो आप ये बाजी इनसे जीत सकते हैं। ओके, हैंड ऑन द बजर। ये रहा आपका चौथा सवाल। कौन से खिलाड़ी 2007 में निर्विवाद वर्ल्ड चेस चैंपियन बने? हरुण, व्लादिमीर क्रेमनिक। 2007 में मैं बोल रही थी। सवाल मैं पूरा करती हूं, कौन से खिलाड़ी 2007 में निर्विवाद वर्ल्ड चेस चैंपियन बने और उन्होंने इस टाइटल को 2008 और 2010 में भी सफलतापूर्वक बचाए रखा? आपने कहा व्लादिमीर क्रेमनिक। क्रेमनिक, और ये बिल्कुल ही गलत जवाब है क्योंकि सही जवाब अगर आप पूरा सवाल सुनते तो आप बता पाते कि नहीं। नहीं, सोमनाथ क्या आप जवाब जानते हैं? विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद इज द राइट आंसर एंड वी हैव गॉट अ चैंपियन विद दैट आंसर क्योंकि सोमनाथ आप है 2 पर और रशीद आप है 0 पर। हमें मिल गया है हमारा चैंपियन सोमनाथ फ्रॉम कलकत्ता। सोमनाथ इज अ चैंपियन। ऑलराइट, वेल हरुण इस एपिसोड के चैंपियन तो नहीं बन पाए लेकिन आप भी सोमनाथ के साथ हमारे सेमीफाइनल्स में पहुंचते हैं, उसके लिए इनको जोरदार तालियां। और क्योंकि ही फिनिश सेकंड, इनको मिलता है एक सिल्वर मेडल। कांग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच। लेकिन ये तालियां बंद नहीं होनी चाहिए क्योंकि यहां पर है हमारे, अरे
किनारे आइए। हमारे गोल्ड मेडलिस्ट और इस एपिसोड के चैंपियन सोमनाथ। हाँ, अभी जीते गए थी। तो सोमनाथ, आप जीत गए, आप हमारे सेमीफाइनल्स में पहुंच गए और आपको आपकी जो टोटल अर्निंग्स है वो है 8,000 और क्योंकि आप ये एपिसोड जीत गए आपको मिलता है प्राइज ऑफ 5,000 रुपीज। वो टोटल 13,000 रुपए यहाँ से लेकर जा रहे हैं। टिल देन एक अच्छी सी स्माइल दीजिए और वापस अपने खेल खास खिलाड़ी स्थान पर जाके सबको वेव करिए। टेंशन कर बिना सुपरस्टार का एक और रोमांचक अंक, जहां एक और खेल पंडित बना चैंपियन खिलाड़ी और आया करीब परम खास खिलाड़ी बनने के। और हम भी चाहेंगे कि आप स्पोर्ट्स का सुपरस्टार में शामिल होकर हमारा हौसला बढ़ाते रहें और खेल का मजा लेते रहें। मिलेंगे दोबारा बहुत जल्द नए खास खिलाड़ियों, चैलेंजर्स और धमाकेदार टक्करों के साथ। अगली बार तक खेले कूदे जश्न मनाए। नमस्कार, मैं हूं मिनी और ये था स्पोर्ट्स का सुपरस्टार।